प्राची ने टूटे हुए दुख के पहाड़ की हालत में छोड़ दिया रणबीर का हाथ और प्राची चली गई अक्षय के पापा और अक्षय के पास, जिसे नहीं देख पाएगा रणबीर जी। हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब डॉक्टर खुशी को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर देंगे और प्राची रणबीर दोनों डॉक्टर को कहेंगे कि आप हमारी बच्ची खुशी को प्लीज बचा लीजिएगा, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, तब यह सुनकर डॉक्टर प्राची रणबीर को कहेंगे आप दोनों फिक्र मत करिए, हम अपनी तरफ से इस नन्ही सी जान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आप दोनों भगवान से दुआ करना कि इस बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो। यह सुनकर प्राची गिर गया कर डॉक्टर को कहेगी, डॉक्टर इसके आगे कुछ मत बोलिएगा, मेरी बच्ची खुशी को प्लीज बचा लीजिएगा, उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। यह सुनकर रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और रणबीर प्राची का अचानक से हाथ पकड़ लेगा और प्राची को इस तरह रणबीर को अपना हाथ पकड़ते हुए देख काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से रणबीर अपने सर पर दुख का टूटा हुआ पहाड़ लेकर जा रहा होगा और प्राची को रिक्वेस्ट करते हुए कहेगा कि प्राची प्लीज अभी मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत है। ये कहते हुए रणबीर प्राची के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएगा, तभी रणबीर का पैर हॉस्पिटल की लॉबी में साइड पर रखी हुई चेयर पर लग जाएगा और प्राची रणबीर का कस के हाथ पकड़ लेगी और रणबीर को गिरने से बचा लेगी, जिस वजह से जब प्राची रणबीर का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेगी तभी प्राची के सामने रिसेप्शन में अक्षय के पापा और अक्षय आ जाएंगे और प्राची तुरंत एट अ टाइम रणबीर का हाथ छोड़कर अक्षय के पापा और अक्षय के पास चली जाएगी और रणबीर के लिए और रणबीर के साथ के बारे में जरा भी नहीं सोचेगी और रणबीर के सामने ही बिना शर्माए प्राची अक्षय के पापा को गले लगा लेगी, जिसे रणबीर देख नहीं पाएगा और अपनी नजर चुराकर रणबीर पलट जाएगा। इसीलिए जब अक्षय की नजर रणबीर पर पड़ेगी और अक्षय रणबीर के पास आएगा और रणबीर को कहेगा कि हे डूड रणबीर क्या हुआ, तभी जब रणबीर पलटकर अक्षय के सामने देखेगा तभी अक्षय को रणबीर की आंखों में आंसू देखकर काफी बड़ा शॉक लगेगा और रणबीर की आंखों में आंसू देख अक्षय समझेगा कि रणबीर की आंखों में आंसू सिर्फ खुशी की वजह से आए हैं, लेकिन असलियत में वो रणबीर की आंखों में आंसू प्राची के लिए आए हैं। और इसीलिए जब अक्षय रणबीर को कहेगा कि रणबीर तू फिक्र मत कर, हमारी खुशी को कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला है ना वो सब कुछ सही कर देगा और जो तेरा है वो तुझे मिलकर रहेगा, इसका मतलब कि खुशी तुम्हारी है तो वो तुम्हारे पास ही आएगी, भगवान उसे कोई आंच तक आने नहीं देंगे। ये सुनकर रणबीर अपने आंसू को पोंछ देगा और तभी जब अक्षय प्राची के पास जाएगा और प्राची को कहेगा कि प्राची तुम भी इतनी परेशान क्यों हो, खुशी को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी, ऊपर वाला खुशी को बचा देगा, तभी प्राची गुस्से से रणबीर के सामने देखेगी और प्राची मन में रणबीर को कहेगी, रणबीर अब देखना खुशी के बच जाने के बाद मैं तुम्हारे करीब तक आने नहीं दूंगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ रणबीर तुम्हारी वजह से हो रहा है और पहले भी 5 साल पहले मेरी बच्ची पंछी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो भी तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम जब जब मेरे करीब होते हो तब तब मुझसे सब कुछ छीन गया है, इसीलिए अब मैं आगे कुछ भी तुम्हारी वजह से गंवाना नहीं चाहती, यह रणबीर को प्राची अपने मन में कहेगी और रणबीर गुस्से से प्राची के लिए मन में कहेगा कि प्राची मैं अब समझ गया हूँ कि तुम्हारी खुशी किसमें है, तुम्हारी खुशी अगर अक्षय में है तो कोई बात नहीं, अब आइंदा से मैं तुम्हें कभी बुलाऊंगा नहीं और मुड़कर भी नहीं देखूंगा, बस मेरी खुशी सही सलामत ठीक हो जाए फिर मैं उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। यह जब रणबीर अपने मन में कहेगा तभी प्राची रणबीर का चेहरा पढ़ लेगी और प्राची को काफी ज्यादा अजीब लगेगा और खुशी के लिए प्राची रणबीर को आप इस तरह अलग होते हुए देख सकते हैं क्या नहीं, और आप प्राची रणबीर और उसकी बच्ची खुशी के साथ तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं क्या नहीं, और ऐसी प्राची को छोड़कर रणबीर को रिया के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्या नहीं, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।